अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ विद मी चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी ज़रदे की, जो कि शादियों वाला ज़रदा है। ये शादी में जो हम ज़रदा खाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं, ये मैंने गोल्डन राइस लिया है। ये देखिए ज़रदा जो बनता है वो गोल्डन राइस में ही बनता है, इसका ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि इस चावल को काफ़ी ज़्यादा पकाया जाता है। अगर हम शीरे के साथ में कच्चे चावल को पकाएंगे तो वो टूट जाएंगे, इसीलिए इसको पके चावल में पकाया जाता है। ये मैंने 1 कप लेके 2-2.5 घंटे के लिए इसको सोख कर दिया था, अब ये पकने के लिए तैयार है। मैंने इस कप से नाप कर 1 कप चावल लिए हैं और उसी कप से मैंने 1 कप शुगर ले ली है, यानी कि 1/3 कप शुगर ले ली है। 4 हमने छोटी इलायची ले ली है हरी वाली और 2 लौंगे ले ली हैं, ये तड़के के लिए यूज़ होगी। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी और मिली जुली टूटी फ्रूटी ले ली है। साथ ही हमने ड्राई फ्रूट में लिया है गोला, यानी कि नारियल, सूखा वाला नारियल जो होता है, ये 2 टेबल स्पून फुल भरकर मैंने कट करके रख लिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर काजू ले लिए हैं, या फिर कह सकते हैं 10 से 12 काजू ले लिए हैं। तकरीबन 15 हमने बादाम लिए हैं और बादाम को हमने बीच में से सिर्फ कट किया है, इसको बहुत बारीक बारीक कट नहीं किया है। 3 छुआरे ले लिए हैं, इसको हम पानी के साथ में बॉइल कर लेंगे, चावल के साथ ही डालकर बॉइल कर लेंगे साबुत ही। साथ ही हमने 1.5 टेबल स्पून मुनक्के ले लिए हैं और 2 पिंच के करीब हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर ले लिया है, ये हम चावल को बॉईल करते वक्त ऐड करेंगे। 50 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे मावा ले लिया है, इसको खोवा भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने चावल को बॉईल कर लेंगे। 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर लिया है, इसको हमने उबाल आने तक के लिए इस तरीके से गर्म किया है कि इसमें उबाल आ जाए। अब इसमें उबाल आने ही वाला है, इसके अंदर हमने सबसे पहले ऑरेंज कलर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल और चावल को डालकर 100% तक कुक कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी छुआरे जो मैंने आपको बताए थे, इसमें 3 छुआरे डाल कर देंगे ताकि ये भी बॉयल होते होते सॉफ्ट हो जाए। चावल को हमने बॉयल किया है हाई फ्लेम पर और चावल को अब हम चेक कर लेंगे। तो एक दाना निकाल कर चेक कर लीजिए, ये देखिए चावल हमारे अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं, आराम से सॉफ्ट हैं, आराम से ये टूट रहे हैं, देखें ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि चावल हमारे एकदम से कुक हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर लेंगे और इसमें से जो पानी है उसको हम ड्रेन कर लेंगे। चावल से हमने पानी को ड्रेन कर लिया है और इसके अंदर जो छुआरे डाले थे वो हम बाहर निकाल लेंगे और उसको छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। और अब हम इसको तड़के की तैयारी कर लेंगे। ज़रदा बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब घी का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है और इसमें हम सबसे पहले अपने जो ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे और हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे, मतलब अच्छी से खुशबू आने लगे इतना ही फ्राई करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनका सा हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, हमें इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब हम तड़के में डालेंगे, सबसे पहले लौंग ऐड कर देंगे, साथ ही हम छोटी इलायची को ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा तड़क जाने देंगे। इसमें मैंने घी अभी नहीं डाला है, 1 टेबल स्पून ही घी डाला हुआ है। जब हमारी ज़रदा तैयार होने लगेगा तब मैं 1 टेबल स्पून घी और ऐड करूँगी, फ़िलहाल मैं इसी में तड़का दूँगी। इलायची हमारी तड़क चुकी है तो इसके अंदर हम हल्का फ्लेम करा हुआ है, मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम किया हुआ है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले ज़रदे की इस तरीके से लेयर लगा दूंगी, साथ ही इसके ऊपर हम 1/2 कप के करीब शुगर ऐड कर देंगे। जितनी शुगर मैंने ली है उससे 1/2 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब इसके ऊपर बचे हुए चावल सारे ही ऐड कर दूंगी मैं। बची हुई शुगर हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, साथ ही हम इस पे ऐड कर लेंगे खोया, साथ ही इसमें से हम ड्राई फ्रूट जो हमने लिए थे वो आधे से ज़्यादा हम यहाँ पर डाल देंगे और थोड़े से हम बचा देंगे गार्निश करने के लिए इस तरीके से, ताकि ज़रदे के अंदर हमारे हर चीज़ की खुशबू आ जाए। और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड कर दूँगी ताकि शुगर हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस का फ्लेम इस वक्त मैंने बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ है और इसे हम कवर करेंगे। कवर करने के बाद में गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी मैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे, कवर करने के बाद में गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के बाद में हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद में और चीज़ें ऐड करेंगे ताकि चीनी हमारे नीचे से कहीं ऐसा ना हो कि चावल हमारे जल जाए, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए हम खोलेंगे नहीं, इसी तरीके से कवर रहने देंगे। 1 मिनट हो गया है हमारे चावल को कवर करे हुए, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से ये जल जाए। इसे हम हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर हमारे सारे चावल में एक ही जैसी रहे। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, तो
तो अभी इसमें हल्के से चावल में पानी की नमी बाकी है, यानी कि जो दूध हमने डाला था उसकी नमी अभी इसके अंदर है। तो अब हम इसको फिर से कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। तो मैं 1 टेबल स्पून के करीब घी और ऐड कर लूँगी। इस तरीके से इसे चारों तरफ हम फैला देंगे ताकि ये नीचे तक चला जाए। इसमें इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे और इससे पहले हम इसके अंदर टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। जो हमने ले के रखी हुई है टूटी फ्रूटी, वो यहाँ पे सारी ऐड कर लेंगे। इसे एक बार और हल्के हाथ से मिला देंगे। ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि ज़रदा हमारा देखने में जितना अट्रैक्टिव है, खाने में माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा टेस्टी है ये। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। जर्दे को रखे हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कि जर्दा हमारा बिल्कुल कुक हो गया है। अब हम इसे हल्के हाथ से चेक करेंगे कि इसके अंदर पानी की नमी तो नहीं है। तो चावल हमारे एकदम से खिले खिले हो गए हैं, पानी की बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको कर लेंगे हम डिश आउट। तो शादी वाला ज़रदा बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर आप मीठा परफेक्ट खाते हैं तो 1 कप चावल में 1.25 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है, और अगर आप थोड़ा सा तेज़ खाते हैं तो आप 1 कप चावल में 1 कप ही शुगर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, तो आप भी अपने घर में ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं रेसिपीज़ विद मी चैनल में फिर एक नई रेसिपी के साथ में हाजिर होंगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।